हाँ हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम बायो सेवर्ट लाके आगे का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है मेन, वो आपका ये है जो हमने सेकंड पॉइंट में लिखा है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसके पहले हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं जो कि आपने इलेक्ट्रो स्टेट में पढ़ा है कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले आप इसको चेक करें, इसकी यहाँ पर इस टॉपिक में रिक्वायरमेंट होगी आगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, राइट साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसमें यहाँ पर अगर हम प्लस क्यू चार्ज रखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, आपको इलेक्ट्रो स्टेट में मालूम है, और फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई। अगर हम इसमें नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये फोर्स का डायरेक्शन। यहाँ ज़रूरत नहीं है माइनस लगाने की, क्योंकि ये डायरेक्शन से दिखा दिया गया कि इस तरफ लग रहा है लेफ्ट को। इन दोनों ही केस में जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, यानी जो पाथ फॉलो करेगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। ठीक, इसको देखें, ये आपका जो है इसमें जो नेगेटिव चार्ज हमने लिया है, इसको वी वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराया है, लेकिन 90 डिग्री पर। यहाँ पर 0 डिग्री पर था, यहाँ 180 डिग्री पर था, यहाँ 90 डिग्री पर एंटर कराया है। तो ये जो वी वेलोसिटी दी गई है, ये एक्स डायरेक्शन में, अगर हमने यहाँ एक्स लिया और ये वाई लिया, तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, इसलिए ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यानी कि फोर्स अपवर्ड लगेगा। ये फोर्स क्यू ई लग रहा है आपका अपवर्ड। ठीक, इसमें जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और वाई डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए उधर भी वेलोसिटी होगी वाई में। तो यहाँ पर हम ये हमने लिखा है, यहाँ पर पैराबोलिक मोशन होगा। यहाँ आप लोग ये ध्यान रखें कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, आपको जरूरत पड़ेगी, बोर्ड में भी पूछते हैं, उसमें दो तरह का मोशन पॉसिबल है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन और दूसरा पैराबोलिक मोशन। समझ गए ना? अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, ये फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें हमने एक चार्ज रखा जो कि रेस्ट में है। ठीक, यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल पर प्रैक्टिकली कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब तक आप ये माने कि आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ा आपने, यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? ये क्योंकि ये सेकंड अप्रोच है एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए, एक अलग अप्रोच है ये, सेपरेट। ठीक, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ चार्ज पार्टिकल रख दिया, ये रेस्ट में है, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो इसमें फोर्स एक्ट करता है। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, इसमें फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए इसका ये कंक्लूजन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। हमने यहाँ नोट किया है, इफ द चार्ज इज एट रेस्ट है, देयर इज नो फोर्स बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन ये देखा गया है कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दे दें तो फिर इसमें फोर्स लगने लगता है। समझ गया ना? इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा फील्ड है जो चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसमें फोर्स नहीं लगाता है, लेकिन चार्ज अगर मोशन में है तो फिर फोर्स एक्ट करता है। आप समझ गए ना? अभी यहाँ नहीं लग रहा फोर्स, यहाँ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज मोशन में है। फील्ड है कोई, वो ऐसा फील्ड है कि वो रेस्ट में चार्ज है तो फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन अगर चार्ज मोशन में होगा तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। हम आपको ये भी, एक मिनट आए बता तो रहे हैं, इफ चार्ज इन मोशन देन डिफ्लेक्टेड ये टूवर्ड्स वायर, ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि टूवर्ड्स है या अवे फ्रॉम। ठीक, देन चार्ज डिफ्लेक्टेड, ठीक, यानी कि इसमें फोर्स एक्ट कर रहा है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हेंस देयर इज एनदर फील्ड है, यहाँ कोई और फील्ड है, हम इस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। समझ गए ना? इसका मतलब है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, जो भी फील्ड है उसका नाम मैग्नेटिक फील्ड दिया गया। नहीं, चार रेस्ट में क्यों नहीं है, इसका कारण दूसरा है, वो हम आपको समझा रहे हैं। बात समझ गए? वो समझने की कोशिश करें आप। देखिए,
जैसे कोई वायर में जब करंट फ्लो होगी, यहाँ पर देखें ये करंट फ्लो होगी, तो हमने आपको बताया है पिछले थ्योरी में लेक्चर में कि अगर करंट इधर जा रही है तो इसमें सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, आपको मालूम है। तो मैग्नेटिक फील्ड बना, इसमें पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉर्थ साउथ बनेंगे। ओके, जब दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो इंट्रैक्शन होगा। अगर कोई हम चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हैं तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता नहीं है। हमने आपको चार फंडामेंटल क्वांटिटी लिखाई थी, कौन कौन सी थी? अगर चार्ज एक मास था, समझ गए होंगे, पहला लेक्चर था फर्स्ट। सेकंड में, अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक और दोनों फील्ड। इसका हाँ वो अगला है, वो यहाँ अभी नहीं जरूरत है। यहाँ पर ध्यान दें, ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और आपने जो चार्ज पार्टिकल जब मोशन में दिया तो उसने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो वो भी अपने नॉर्थ साउथ बनाएगा। वो नॉर्थ साउथ और इसके नॉर्थ साउथ आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, उसकी वजह से उसमें फोर्स लगता है। आप समझ गए ना बात? क्योंकि नहीं, ये आगे चीज है, आगे है, अभी बेसिक बात आप समझ गए हैं कि क्यों फोर्स लगता है। ये पॉइंट बुक्स में कहीं गिवन नहीं है जो हम बता रहे। क्या चीज? हाँ, क्यूरी लॉ वगैरह है, क्यूरी लॉ सिलेबस में रहा नहीं, वैसे तो करा दिया हो उन्होंने लेकिन है नहीं सिलेबस में। अरे कुछ नहीं भाई, यहाँ ना पूछे वो चीज, वो पूरा टॉपिक अलग है और वो हम तुमको यहाँ डिस्क्राइब भी नहीं कर पाएंगे। वो परमानेंट मैग्नेटिज्म से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है ना, उसके बाद आएगा पूरे इसके। हाँ, सारे टर्म आ गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखें, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफाइंड, वो टॉपिक पूछे ना जो रिलेटेड चल रहा है, वो आफ्टर वीडियो पूछे ना, अभी क्यों पूछ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफाइंड, लिखिए, हैंस लिख दो, हैंस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फोर्स एक्टिंग। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज, समझ गए होंगे ना कि मूविंग चार्ज पर जो मैग्नेट फोर्स एक्ट करता है उससे डिफाइन कर सकते हैं हम आप। नेक्स्ट लाइन में लिखें, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये वेक्टर फॉर्म में हमने फोर्स लिखा है, नेचुरल है कि इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्यू वी बी साइन थीटा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? चार्ज क्यू के। दूसरा जो है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। तो पहला किसके प्रोपोर्शनल है, आप लिखते जाएं, मैग्नीट्यूड आप चार्ज के प्रोपोर्शनल है। सेकंड में यह प्रोपोर्शनल वी साइन थीटा, यह प्रोपोर्शनल वी साइन थीटा। यहां पर थोड़ा एक लाइन नोट कर दें, यहां सेकंड में लिख दें लाइन, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, डॉट में कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर थोड़ा लिख दें, ये तो मालूम, समझ गए आप, चार्ज के प्रोपोर्शनल है। देखो, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नहीं, इसके सेकंड पॉइंट के ब्रैकेट में लिख दें, यहाँ लिखो, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट, बोले नहीं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा जो है प्रोपोर्शनल टू, यहां पर लिख देना ये कंपोनेंट, अभी हम डायग्राम से और समझा रहे हैं। और यह प्रोपोर्शनल बी है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, वी वेलोसिटी है और क्यू चार्ज है। ये मैग्नेटिक फील्ड और हमने जो वेलोसिटी लिया है वो ये हो गया, नहीं ले सकते हैं उस, समझा रहे हैं बात को, कंप्लीट हो जाए ना। हमने थ्योरी में उन्होंने पहले ये दिया बाद में ये दिया है, हमने उल्टा अपोजिट लिखाया है, उस कारण से आप पहले नोट कर लें उसके बाद क्वेश्चन एराइज करें प्लीज। ये हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका ये वेलोसिटी हो गई, फोर्स का डायरेक्शन जो है वो ऊपर लगेगा। इस वेलोसिटी के ध्यान दें, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया है, वेलोसिटी लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्शन हम डाल रहे हैं एक्स वाई और जेड, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। यहाँ पर फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा, ध्यान दें यहाँ पर। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, पहली बात ध्यान रखना थीटा किसके बीच में एंगल होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। हाँ, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करें, इसके अलोंग कितना होगा अभिजीत, कितना होगा इसके अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट, इधर बी कॉस थीटा, इधर किधर कितना होगा बी साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट जो है के ड्यू टू फोर्स लगता है, इसके ड्यू टू फोर्स नहीं लगता है। इसका मतलब आप धीरे धीरे आएगी समझ में बात, अभी आप नोट करते हैं। हाँ, हमने बोला तो है वी कॉस थीटा उधर होगा, आपने, हमने मना कब कहा, हमें ये वाला लेना है। हाँ हाँ, और नहीं तो हम वहाँ लिखते नहीं, यहाँ पर वी साइन थीटा ये है ना, तो ये वाला क्या हुआ वी कॉस थीटा। जो कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है उसके ड्यू टू फोर्स एक्ट नहीं करता है, ठीक। दूसरी बात, फोर्स जो होगा आप यहाँ से देखें, क्रॉस प्रोडक्ट को जानते होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है कि फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ होगा, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी किस प्लेन पर है, एक्स वाई पर है, तो फोर्स किधर लग रहा है, जेड में। आ रही बात समझ में, ठीक। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी और बी दिया होगा तो आप यहां पर वैल्यू डालकर फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। लेकिन चार्ज ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिया जाएगा, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दें, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, यहाँ पर जब आप ये फार्मूला लिखते हैं तो ऐसे मान के चलें कि यहाँ तीनों आपस में 90 डिग्री पर हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, ठीक है। अगर 90 पर हैं तब तो कोई बात नहीं है, थीटा 90 हो जाएगा, ठीक है ना। सीधे अगर थीटा 90 होगा तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी। लेकिन अगर किसी और डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट काम करेगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर है, बात समझ गए ना, उसी के ड्यू टू यहाँ पर फोर्स लगता है, ठीक। तो अब ये डायग्राम आप बनाएं फटाफट, ये लिख लिया इधर वाला, ठीक है। एक्चुअली में जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जो है, यहाँ पर तो आपका ये जो चार्ज मूव कर रहा है ये प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस बना देना, ये पॉजिटिव चार्ज का मोशन है। पॉजिटिव चार्ज का मोशन ही करंट का मोशन होता है, आपको ये बात मालूम है। तो एक तरह से जो आपने आगे पढ़ा है, आगे थ्योरी में पढ़ेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगता है जो कि आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं ना, तो वो तीनों आपस में 90 पर होते हैं। अगर कोई और डायरेक्शन है तो वो कंपोनेंट होगा, यहाँ चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से जा रहा है, उसके दो कंपोनेंट करें, एक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, दूसरा 90 डिग्री पर। ये फोर्स का फार्मूला है, इसमें 90 डिग्री वाला कंपोनेंट एक्ट करेगा, पक्का समझ गए ना बात को, ठीक। यहाँ पर फार्मूले से चेक करो, अगर थीटा 0 डिग्री आर 180 डिग्री होगा
तो नेट फोर्स जीरो आएगा। देखो ये बात आप फार्मूला से तो समझ ही सकते हैं। फार्मूला में तो अगर क्यू बी भी साइन थीटा है, अगर थीटा जीरो डाल देंगे तो फोर्स जीरो होगा, थीटा अगर 180 डिग्री डाल देंगे तो फोर्स जीरो होगा। अगर आप समझ सकते हो तो हमें, आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देने की कोशिश करना। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसमें मान लो करंट इधर जा रही है, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है, ये आपका करंट, ये है करंट का, इसके ड्यू टू फील्ड बन गया, ठीक। कैसा है फील्ड? सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, सर्कुलर, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से, ठीक है। सर्कुलर फील्ड में आपको याद होगा कि टेंजेंट डाल डाल के निकालते थे ना, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ निकालते थे ना। अगर कोई चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है, यहाँ पर आपने थीटा क्या लिया, जीरो, ये थीटा जीरो किसके, एंगल किसका है, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज वेलोसिटी, यानी चार्ज पार्टिकल जिधर मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है। मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, ये मोशन कर रहा है ऊपर, तो यही करंट हो गया, ठीक है ना। इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या बना, ये बना, ये हमने चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ले ली है, मैग्नेटिक फील्ड क्या बना, सर्कुलर, ठीक। इसमें नॉर्थ साउथ बन गए बहुत सारे। अब हमने बाहर से जो फील्ड लगाया वो भी इधर ही को है, तो वेलोसिटी और बी सेम हो गए। बहुत टिपिकल है, समझना, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा बात। तो जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ साउथ थे और आपने ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया, अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है तो नीचे नॉर्थ होगा ऊपर साउथ होगा, जगह जगह पर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल, और साउथ को अट्रैक्ट, वो सब कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सर्कुलर में जगह जगह पर नॉर्थ साउथ बन रहा है और नीचे नॉर्थ है ऊपर साउथ है, साउथ वाला नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और साउथ को रिपेल करेगा, वो सब कैंसिल हो जाएंगे, समझ रहे हैं। प्रैक्टिकली जो है, क्या कह रहे हैं, जीरो, हाँ, कि प्रैक्टिकली ध्यान रखें कि जीरो डिग्री, लोग लर्न रखते हैं कि जीरो डिग्री फार्मूले से ध्यान रखते हैं, क्योंकि यहाँ क्यू बी भी साइन थीटा है, थीटा जीरो डाल दें तो फोर्स नहीं लगेगा, 180 डाल दें, फोर्स न लगने का रीजन क्या हो सकता है कि नेट फोर्स जीरो हो भाई। किसी बॉडी में अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका, जैसे मान लो एक बात बताना है, ये पेन है, इसको हम अगर 3 न्यूटन से इधर खींचें और 3 न्यूटन से इधर, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स मोशन नहीं हो रहा है, फोर्स लगता है लेकिन नेट फोर्स मिलाकर जीरो हो जाता है। कौन कौन से फोर्स होते हैं, एक जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा जो चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, वो सब कैंसिल कर देते हैं आपस में। आप समझ गए ना बात को, कुल मिला के ध्यान रखें कि जीरो और 180 डिग्री पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है। दूसरी चीज, अगर वेलोसिटी जीरो है यानी कि रेस्ट में है, तो फार्मूले से भी आप समझ गए यहाँ पर भी फोर्स जीरो होगा जब तक मोशन नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फर्क है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल होगा तो उसमें रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर केवल मोशन में वी जीरो है तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, और अगर थीटा 90 है तो मैक्सिमम फोर्स। वेलोसिटी जीरो कर दो, फोर्स जीरो हो गया, और पहला हमने दिखाया था डायग्राम में भी, ठीक है ना, 90 पर क्या होगा, क्यू वी बी, ये मैक्सिमम फोर्स होगा, अब हम यहाँ पर जो है वो जो आपकी यूनिट का वो टॉपिक था वो यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं। इससे एक्चुअली में एक यूनिट निकाली जाती है, ये BIL से भी निकालते हैं, QVB से भी निकल आती है यूनिट। ये डायग्राम बना लिया आपने, तो यहाँ पर लिखा है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने मैक्सिमम फोर्स लिखा है, और थीटा 90 डाल दो तो क्यू वी बी हो जाएगा। हाँ, यूनिट ऑफ बी, देखिए एक यूनिट टेस्ला होती है, आपने यूज किया है उसको, ठीक है ना, एफ इज इक्वल टू है क्यू वी बी,
मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू होगा एफ अपान क्यू बी। फोर्स की यूनिट क्या होती है जी? न्यूटन, ठीक है ना। और ये क्यू बी क्या होगा? इसकी कूलाम, इसकी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड क्या होगा? कुछ होगा, क्या होगा? क्यू इज इक्वल टू आई टी होता ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी एम्पियर हो गया। तो एक यूनिट तो इसकी बन गई न्यूटन पर एम्पियर मीटर, बहुत यूज होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यही टेस्ला भी है, और इसी को हम टेस्ला कहते हैं। और ये यूनिट जो है वो वेबर, ये आगे आएगा समझ में, अभी बता दे रहे हैं हम तुम्हें। ये भी एक यूनिट और है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट आती है एक्चुअली में फ्लक्स के, फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ में पढ़ा था ना, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है, वैसे ही यहाँ पर भी जो फ्लक्स फाई है वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है। तो बी इज इक्वल टू, आगे चैप्टर में है, इसकी यूनिट वेबर है और एरिया की मीटर स्क्वायर, यहाँ से ये वेबर पर मीटर स्क्वायर बनी है, समझ गए ना। ये यूनिट यूज होती हैं, आप इनको तीनों को लर्न रखे हैं यूनिट को। और इसकी सी जी एस यूनिट गॉस है, सी जी एस यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की, सी जी एस यूनिट गॉस है, और वन टेस्ला इज इक्वल टू 10^4 गॉस है, कैपिटल जी से लिख देते हैं। वन टेस्ला इज इक्वल टू 10^4 गॉस है। समझ में आ गया होगा यूनिट, यूनिट ध्यान रखना। टेस्ला इज इक्वल टू, ठीक है चलो। तो हाँ अभिजीत, नोट कर लिया ना? ठीक है, लिख लिया। आप इसमें जरा कुछ पॉइंट नोट कराने, यहां पर एक पॉइंट आप ध्यान दें। देखो जब क्रॉस प्रोडक्ट हम बनाते हैं, एफ इज इक्वल टू है क्यू, बार बार होगी ये चीज़ रिपीट, आप लर्न हो जाएगी। ये है क्यू बी क्रॉस बी, इसमें फोर्स का डायरेक्शन ब्लास्टी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, ब्लास्टी के भी और मैग्नेट, एक एक्स वाई तो दूसरा जेड में, ठीक। फोर्स परपेंडिकुलर टू ब्लास्टी है, इसका मतलब फोर्स परपेंडिकुलर वेलोसिटी डी एस बाई डी टी या डी आर बाई डी टी लिख दो, एक ही बात है, डी आर बाई डी टी। हाँ परपेंडिकुलर लगा के आर बना दो ऊपर, ठीक है ना। ये फोर्स परपेंडिकुलर टू डी आर बाई डी टी है, इसका मतलब फोर्स परपेंडिकुलर टू डी आर है, नहीं रेडियस नहीं है, वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या स्पीड समझ लो, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में कितने होंगे? 90 डिग्री पर। और जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर हैं तो वर्क डन का तुम्हें फार्मूला पता होगा एफ डॉट डी आर, तो वर्क डन जीरो होगा क्योंकि थीटा 90 है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, काय मैंने टेन थीटा क्यों मिला, नहीं उसमें ऐसा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो जो फोर्स लग रहा है वो ब्लास्टी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के 90 डिग्री पर है, तो चार्ज पार्टिकल फोर्स जो लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के भी 90 पर होगा और ब्लास्टी के भी 90 पर है। अब किसी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, और आपने कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कराया, ठीक है ना, अगर वो 90 पर है तब तो कोई बात नहीं है, वो किसी एंगल पर जा रहा होगा, तो उसके दो कंपोनेंट कर लिए वेलोसिटी के, एक कर लिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, एक कर लिया मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर। क्योंकि यहाँ पर बी साइन थीटा है, ठीक है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है वहाँ पर, तो जो यहाँ बी साइन थीटा है तो ले लिया कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट के ड्यू टू वहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ये रूम है, यहाँ पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, चार्ज पार्टिकल एंटर किया एंगल पर, तो उसके दो कंपोनेंट कर लिए, एक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, समझ गए ना। तो इसलिए ब्लास्टी का कंपोनेंट वहां एज्यूम कर लिया है, समझ गए होंगे ना बात को। हाँ जैसे
क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। हम अपना टॉपिक क्लोज करें ना, ये यहाँ वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। और वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। देखो ध्यान दें, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब वर्क डन जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी। समझ गए ना बात? ये तो यहाँ पर नीचे लिखें, हम नोट करा रहे हैं, नीचे लिखे इन केस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इन केस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन केस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन, हेंस वर्क डन इज जीरो। हेंस वर्क डन इज जीरो बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यही है, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई। बाई वर्क एनर्जी थ्योरम काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी कॉन्स्टेंट। वर्क एनर्जी थ्योरम समझ गए ना? नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी कॉन्स्टेंट, हेंस स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो अक्षत जरा बताएं, फोर्स लग रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो फिर क्या करेगा फोर्स? फोर्स लग रहा है यहाँ पर, फोर्स तो जीरो नहीं है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर फोर्स क्या करेगा? डायरेक्शन चेंज करेगा। जैसे सर्कुलर मोशन में होता था ना, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है तो क्या काम करता? केवल डायरेक्ट, क्योंकि 90 डिग्री पर है फोर्स, जब भी वेलोसिटी के 90 डिग्री पर होगा हाँ तो वो केवल डायरेक्शन चेंज करेगा। बस 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 आगे लिखें, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी कॉन्स्टेंट एंड स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। समझ गया ना? स्पीड चेंज नहीं होगी, फोर्स ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वेलोसिटी चेंज होगी अभिजीत? अभिजीत वेलोसिटी चेंज होगी? अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, स्पीड कॉन्स्टेंट होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ध्यान है ना, उसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। लिख दो वेलोसिटी ऑफ, एक मिनट, सो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, फोर्स ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज, हाँ ये हो गया सेंटेंस। नहीं ये पॉइंट डाल के लिख दो नीचे, अरे पॉइंट डाल दो ना, नोट लिख दो यार, कुछ पॉइंट डाल दो ना, ये उस आर्टिकल से रिलेटेड पॉइंट है। और क्या कि फोर्स अगर वेलोसिटी, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो यानी उस पर कोई वर्क डन नहीं होता है, उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट होती है, केवल डायरेक्शन चेंज होता है। एक्चुअली में जब वो प्योर 90 डिग्री पर जाता है ना तो सर्कुलर मोशन ही होता है आगे बढ़ने। समझ गया? दो ही मोशन है वहाँ, सर्कुलर है, हेलिकल है, स्ट्रेट भी है वैसे। है ये वर्क डन लिखा है एफ इंटू डी आर, इसमें केवल पॉइंट डालो प्लीज, कोई हेडिंग नहीं है, वो फार्मूला से रिलेटेड चीज पॉइंट है। अब आप नीचे हेडिंग डालें, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, डिफरेंस बिटवीन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जरा आप लोग बताएं पहले क्या डिफरेंस होता है। ये वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर रेस्ट में है चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स नहीं लगता है, लगेगा ना, लगता है। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स नहीं लगता है, समझ गए ना बात को। और कोई वहां पर फोर्स थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वहां क्यू ई है, यहाँ पर फोर्स थीटा पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। हम इसको नोट नहीं कराएंगे, आप ऐसे ही समझें। हाँ, दोनों के परपेंडिकुलर है, उसमें फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में, लगता है ना। यहाँ, हाँ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, थीटा पर डिपेंडेंट है, वहां पर थीटा पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बी आ रहा है, वहां भी ई आ रहा है, अरे क्यू बी भी साइन थीटा है ना। हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, आप समझ गए ना डिफरेंस को। बस बस, बहुत है इतने डिफरेंस, बहुत है इतने। और एक और है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई वर्क डन नहीं होता, स्पीड चेंज नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पीड चेंज होती है, पॉइंट ध्यान रहेंगे। और भी होता है, उससे मतलब नहीं है, आप मेन चीज यहाँ ये देखें ना, वहां तो वर्क डन होगा, स्पीड चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, लेकिन यहाँ पर वर्क डन जीरो होता है, ठीक है ना। तो लगभग चार पॉइंट इसमें बनते हैं, एक हो गया फोर्स वाला, वर्क डन वाला हो गया, एक थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, याद रहेंगे ना पॉइंट सारे इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स के, ठीक है ना, नोट नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना, बुक से आप चेक कर लें। लिखाएं क्या, नहीं, नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, जल्दी लिखो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ, हाँ बस क्लोज कर रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें लिखें केस वन, केस वन, थीटा जीरो डिग्री आर 180 डिग्री, ये थीटा किसके बीच में एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है, कितना फोर्स लगता है यहाँ पर इस कंडीशन में, इसका मतलब जीरो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और वेलोसिटी भी इधर है प्लस क्यू चार्ज की, ठीक, या मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और वेलोसिटी इधर है प्लस क्यू चार्ज की, ठीक है, प्लस क्यू इधर जा रहा है, इन दोनों ही कंडीशन में फोर्स जीरो होगा, पाथ कैसा होगा, पाथ, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो, तो ये कंटिन्यू मूव करेगा उसी डायरेक्शन में, नो फोर्स एक्ट करेगा, यहाँ पर पाथ क्या होगा, अरे वी वेलोसिटी से पहले ही जा रहा है इसलिए पाथ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, हाँ कुछ भी नहीं होगा, ना स्पीड चेंज होगी ना डायरेक्शन चेंज होगी, जब फोर्स ही नहीं एक्ट कर रहा है तो नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन, अरे हाँ ना स्पीड होगी ना वेलोसिटी, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, यहाँ पर जो है ना, नहीं आप लिख सकते हो डायरेक्शन, यहाँ फोर्स ही नहीं लग रहा है, कुछ नहीं, कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं, स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, और डायरेक्शन फोर्स ही नहीं लग रहा है, कुछ चेंज नहीं होगा, समझ गए ना बात को आप, ठीक, तो कल करेंगे इसके बाद कंटिन्यू।